हसीन वादियाँ, दिलकश नज़ारे, ऊंची ऊंची वृक्ष, मंद मस्त मस्त हवाएं एवं रंग बिरंगे फूल और उन फूलों के मदहोश करने वाली खुशबू एवं बर्फीली घाटियाँ और रुईनामा उड़ती बर्फ के खुशनुमा एहसास आपको दार्जिलिंग एक कभी ना भूलने वाली एक यादगार सफर दे सकता है। तो देर किस बात की, इस समर वैकेंस में निकल पड़िए एक बेहद आकर्षक एवं काल्पनिक दुनिया की ओर, जहां बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी एक बहुत रिलैक्स फील होगा, जहां सब कुछ बदल जाएगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हों। दार्जिलिंग, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, जहां दार्जिलिंग चाय एवं गुड़िया रेल यानी टॉय ट्रेन जो बहुत ही यहां पर खास है। सफेद बर्फ से ढकी यहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी दिखती है मानो चांदी की चादर ओढ़े हुए हैं। सचमुच यह खूबसूरत नज़ारा देख आंखों एक पल के लिए भी नहीं झपकेगी। इनकी चमकदार काया पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है। कुदरत के चित्रात्मक करिश्मों में से एक दार्जिलिंग भी आता है, जहाँ पहुँच कर आप कुदरत की कला को दाद देने का एक बार मन तो जरूर करेगा। तो चलिए इस दार्जिलिंग सफर का मजा लेते हैं। कैसे जाएं? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं या और बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट बगडोगरा एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। बगडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग सिटी अप्रॉक्स 95 किलोमीटर पड़ती है। आप बाई कार या पर्सनल वेहिकल्स लेके यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो आपको नियरेस्ट NGP यानी न्यू जलपाईगुड़ी उतरना पड़ेगा। यहाँ से आप बाई कार भी जा सकते हैं या बाई टॉय ट्रेन भी जा सकते हैं। यहाँ से दार्जिलिंग अप्रॉक्स 87 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NGP से अगर दार्जिलिंग जाएं, मिस नई जलपाईगुड़ी से अगर आप दार्जिलिंग जाएं, तो विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन का जरूर मजा लें। यहाँ जब चाय की बगानों और ऊंचे ऊंचे देवदार की पेड़ वृक्ष से जब ये ट्रेन पहाड़ों को चीरते हुए आपको दार्जिलिंग ले जाएगी, तब आपका मन बहुत ही उत्साहित हो जाएगा। सुरंग एवं ब्रिजों से जब आप गुजरेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप कोई सपनों की नगरी में घूम रहे हैं। जब आप देखेंगे सूर्य की पहली किरण, तिरछी किरण जब पहाड़ों पर पड़ती हुई आप पे आएगी, तो एक बहुत ही मंदमस्त एक सुहानी सी सफर का एहसास होगा। हाउ टू बुक टॉय ट्रेन। कई बार क्या होता है, हम दार्जिलिंग का प्रोग्राम तो बना लेते हैं और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि हमें टॉय ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप टॉय ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो पहले से ही IRCTC से टॉय ट्रेन की बुकिंग करवा लें, जिसमें आपको, अगर आप NGP से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपको AC और नॉन AC दोनों टाइप की सीट्स एवं बोगी आपको मिल जाएंगी। आप अपने हिसाब से बुकिंग जरूर करवा लें। और यह ट्रेन रोजाना 8:30 बजे के समथिंग NGP से मॉर्निंग में खुलती है और अप्रॉक्स 3 से 3:30 बजे इवनिंग तक ये दार्जिलिंग पहुंच जाती है। बीच में सफर का बहुत ही आनंद आता है। आपका टाइम किस तरह कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। Day 1, जब आप दार्जिलिंग पहुंच जाएं तो मॉर्निंग में आप टाइगर हिल चले जाएं, जहां सूर्योदय के लिए विश्व प्रसिद्ध टाइगर हिल माना जाता है। यहाँ का सूर्योदय देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब सूर्य की पहली किरण कंचनजंगा पर्वतमाला पर पड़ती है तो मानो गोल्ड की चादर ओढ़े हुए नजर आती है और एक पैरेलल क्लाउडियस देखने का एक अलग ही मजा आता है। यह चित्रात्मक दृश्य आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए इस टाइगर हिल का विजिटिंग बिल्कुल करना आप ना भूलें। क्या आप जानते हैं, संपूर्ण विश्व में दार्जिलिंग से ही स्पष्ट रूप से कंचनजंगा को देखा जा सकता है, इसलिए इसको जरूर देखें। और यह दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में रूपांतरित भी होती रहती है। बतासी लॉप। बतासी लॉप बहुत ही फेमस लॉपों में माना जाता है। यहाँ का प्रकृति सौंदर्य देख के आप दंग रह जाएंगे। बतासी लॉप जाने के लिए आप बाई टॉय ट्रेन भी जा सकते हैं या बाई कार भी जा सकते हैं। बतासी लॉप एक बहुत ही फेमस एवं बहुत ही क्लीन गार्डनिंग है, जहाँ पे टॉय ट्रेन एकदम कर्व होकर घूमती है और वहाँ पे बहुत सारा स्मारक भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। बतासी लॉप में जाने से आप पूरी दार्जिलिंग सिटी को वहाँ से बहुत ही अच्छी क्लियरिटी व्यू के साथ देख सकते हैं। वहाँ पर टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, जिससे आप दूर श्रृंखलाओं को टेलीस्कोप से बहुत ही सामने देख सकते हैं। तो आप बतासी लॉप का एंजॉय लेना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर आप लोकल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें गर्म कपड़े वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो इसका लुत्फ उठाना बिल्कुल ना भूलें। 3rd, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन का बहुत ही खूबसूरत प्लेसों में माना जाता है। जब आप रॉक गार्डन जाएंगे तो वहाँ का रोड का दृश्य देख के आपको दंग रह जाएंगे, क्योंकि वो इतनी घुमावदार है। जब आप रॉक गार्डन के नीचे की ओर उतरेंगे तो ऐसा फील होगा कि जैसे पहाड़ से नीचे चले जाएंगे। इनका यात्रा करना बिल्कुल ना भूलें। रॉक गार्डन
दार्जिलिंग का बहुत ही खूबसूरत प्लेसों में माना जाता है। आप जब भी रॉक गार्डन जाएं तो आपका मन खुशी से झूम उठेगा। इसकी ब्यूटी देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ की धारियां और बीच में बहता हुआ वाटरफॉल और फूलों की क्यारी से देख के मन आपका मंत्रमुग्ध हो जाएगा। रॉक गार्डन छोटे स्टॉल भी है जहाँ पर आपको गर्मा गर्म मोमो जरूर खाएं। यहाँ का मोमो बहुत ही प्रसिद्ध होता है। फोर्थ, केबल कार। दार्जिलिंग केबल कार बहुत ही फेमस केबल कार में माना जाता है, जहाँ से आप पूरी टी गार्डन को ऊपर से मजा ले सकते हैं और इस टूर का बहुत ही मजा ले सकते हैं। हालांकि इसे ज्यादा दूरी तय नहीं करती है और ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी एक अनुभूति मिल सकती है। इसका जो टिकट प्राइस है ये 200 रुपीस एडल्ट का पड़ता है। इसके बाद आप जूलॉजिकल गार्डन, पेसिस बोगडा, घूम मॉनेस्ट्री, हिमालयस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, सिंगला नेशनल पार्क, हैप्पी वैली टी गार्डन का मजा लेना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ का टी का टेस्ट आप तो जरूर लें और बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के आप फोटो पिक भी ले सकते हैं और इस खूबसूरत स्वर्ग का पूरा आनंद ले सकते हैं। ओके दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के संग। जय हिंद, जय भारत।